आप सभी में विराजित अंतरात्मा को मेरा सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। सवेरे के लगभग 3 बजे है। मुझे कुछ शादी ब्याह काम के लिए मेरे नेटिव प्लेस पाचोरा डिस्ट्रिक्ट जलगांव जाना है। सब तैयारी रेडी हो चुकी है, तो चलो मोटरसाइकिल चलाते जाएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। सुप्रभात दोस्तों, हमारा आज का जर्नी शुरू हो गया है। मैं मुंबई से निकला हूँ मेरे नेटिव प्लेस पाचोरा के लिए। एक शादी ब्याह का काम है, वहाँ जाना है। गूगल में आप लगा लिया है, लगभग 7 घंटा 52 मिनट्स टाइम बता रहा है, तो थोड़ा मुझे समय ज़्यादा ही लगता है क्योंकि हम बीच बीच में चाय पानी के लिए रुकते हैं। तो कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे, बिल्कुल एंजॉय करते हुए जाएंगे। दिस इज मीरा भाईंदर रोड। देखिए, आप हमारे मीरा भाईंदर रोड पे आइए। सवेरे के लगभग 3 बजे है, लेकिन आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि सवेरे के 3 बजे है। यहाँ लोग जागे हैं, कोई इधर उधर घूम रहा है। कहते हैं ना, मुंबई बिल्कुल सोती नहीं है। रात को लगभग 1:30-2 बजे मुंबई का जो कारोबार है थोड़ा कम हो जाता है, फिर 3-3.5 बजे चालू हो जाता है। देखिए ये भाई लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए यह भाई लोग इधर चाय पी रहे हैं। जैसी जरूरत है ऐसा सप्लाई होता है, तो इन घूमने वाले भाई लोगों को सवेरे सवेरे चाय चाहिए, तो चाय मिल गया उनको। कोई क्या काम से घूम रहा है, कोई क्या काम से घूम रहा है, भगवान जाने। दिस इज सिल्वर पार्क जंक्शन। अभी हम ठाणा सिटी से पास हो रहे हैं। सब तरफ उजाला ही उजाला है। TMC यानी ठाणा महानगर कॉर्पोरेशन ने, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ बढ़िया स्ट्रीट लाइट लगाई है। LED लाइट की रोशनी काफ़ी तेज है, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कुछ डेवलपमेंट देखकर। हाँ, मुंबई में आपको कभी भी नहीं लगेगा कि बहुत रात हुई है या बहुत देर हुआ है, या तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। कसारा घाट से अभी हम जा रहे हैं। अंधेरा है ही, लेकिन हमारे हेडलाइट का जो अपर है वो बहुत बढ़िया है। डिपर जो है वो थोड़ा नाजुक है, कमज़ोर है। हमने फोग लैंप लगा लिए है। तो फोग लैंप की बढ़िया रोशनी से हम ट्रैवलिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। की जा रही है साईं बाबा की। जय साईं, श्री साई नाथाय नमः।
सभी जो पालकी के पदयात्री है उन्होंने रेड कलर का ये जैकेट पहन लिया है। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री मुलुंड से जय साई। पूर्व दिशा प्रकाशित हो चुकी है, सूरज भगवान की रोशनी उभर कर आ रही है। देखिए सामने कितना बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहा है, कुदरत ने कितने कलर मुक्त हस्त से यहाँ दिए हैं। बचपन में हम ऐसी ही पेंटिंग करते थे, सूर्योदय का चित्र बनाते थे। किती उभी राहो सगळ्यांनी, राव राव मी घेतो याच्यात। हाँ, ये हमारे कोई सब्सक्राइबर मित्र मिले है, ट्रेकिंग के लिए जा रहे हैं। नमस्कार सर, आपलं नाव काय सर? गोविंद बगरे। कुठून आलेत आपण? आपण सर? कैलास पवार, वणी सप्तशृंगीगड। अरे वा, पंकज माळ। ओके सर, यस आमचा हा ट्रेकिंग ग्रुप आहे जी। आतापर्यंत अनेक किल्ल्यांवर गेलोत आणि आमचा मुख्य उद्देश असतो किल्ल्यांची साफसफाई आणि शिवरायांचं जीवन किल्ल्यांवर प्रत्यक्ष जाऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न आमचा सतत असतो। आणि असे अनेक किल्ल्यांपर्यंत आम्ही आतापर्यंत फक्त आज खाऊन किल्ल्यावर जाणार। अतिशय छान उपक्रम आहे सर। आपलं नाव? ओके सर, ओके ओके। आप सभी को मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। ट्रेकिंग का ग्रुप है तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो स्वराज्य स्थापन किए हैं उन सभी फोर्ट्स पर ये लोग विजिट करते हैं, उधर की साफ सफाई मेंटेन करते हैं। बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच आपको मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। चला सर। हाँ ओके ओके, भेट। मॉर्निंग दोस्तों, सूरज भगवान का आगमन हो चुका है, हमारी सभी दिशाएं प्रफुल्लित हो चुकी है। यहाँ हमने थोड़ा सा हवा भी चेक कर लिया, डाउट था पिछले चक्के में थोड़ा हवा कम रहेगा करके, लेकिन हवा वाले भाई ने हवा चेक किया, थोड़ा कम ही हुआ था, उन्होंने लेवल कर दिया है और हमारा आगे का जर्नी कंटिन्यू हो रहा है। नासिक सिटी से अभी हम पास हो रहे हैं, पासिंग थ्रू ओवर ब्रिज ऑफ द नासिक सिटी। सवेरे का समय है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा भी आज संडे है, संडे होने के कारण बहुत लोगों को छुट्टी है। कल 25 दिसंबर क्रिसमस नाताल की भी छुट्टी है। शनिवार रविवार सोमवार तीन दिन छुट्टी कंटिन्यू आने के कारण बहुत सारे लोग कोई पिकनिक पर गए हैं, कोई एंजॉय कर रहे हैं, कोई रिश्तेदारों के आ गए हैं, इसलिए सिटी में काफ़ी शांति है। यह है पिंपळगाव बसवंत, देखिए कितना बढ़िया ओवरब्रिज बनाया है। हमें लगता है कि हम कोई फॉरेन कंट्री में से पास हो रहे हैं। अभी हम चांदवड़ का घाट पास हो रहे हैं। सवेरे के लगभग 9:30 बजे है।
बसोबा महाराज मंदिर, चांदवड घाट। अभी हम मालेगांव से पास हो रहे हैं। हाईवे पे हमारा ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये रास्ता सीधा जाता है धुले इंदौर की ओर। हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है। यह है चालीसगांव फाटा, मालेगांव से थोड़ा सा आगे है। यहाँ से फिर हमारा डेस्टिनेशन है 150 किलोमीटर्स। यहाँ से चालीसगांव लगभग 50 किलोमीटर है और चालीसगांव से हमारा जो नेटिव प्लेस है अछोरा वो 100 किलोमीटर है। अभी यहाँ से सिंगल रास्ता चालू हो गया है। हाईवे पर हमारा डिवाइडर था, बड़ा रास्ता था, तीन तीन लेन का रास्ता था, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है। यहाँ अभी मुझे दहीवाड़ गांव जाना है। हमारे पुलिस ऑफिसर मित्र प्रदीप साळुंके साहब के यहाँ कन्या रत्न प्राप्त हुआ है, लक्ष्मी के दर्शन के लिए जाना है। चला बाय बाय, चला चला इकड़े करा, बाय 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 बाय। घेतलं कॅमेऱ्यात घेतलं, बाय बाय। अरे वा वा वा, छान छान छान। चला बाबा, ओके नमस्कार। हो यो यो यो, तुम्ही पण या, आता मुंबईला आले की भाईंदरला या। छोटी सी प्यारी सी कृष्ण प्रिया लड़की का नाम है, उसे सब फैमिली से मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं आगे की ओर निकल पड़ा। 25 साल पहले यह रास्ता बहुत ही खराब अवस्था में था। मालेगांव फाटा से चालीसगांव की ओर जाते हुए यह डॉल्फिन महाशय यहाँ दिखती है। बहुत अच्छा लगता है, मैं हर बार उनकी ओर देखता हूँ, क्योंकि डॉल्फिन तो गहरे सागर में प्राप्त होता है, मिलता है, दिखाई देता है, लेकिन यहाँ ओपन स्पेस में भी डॉल्फिन महाशय आ गए। बढ़िया कंसेप्ट। यह है गिरना नदी। गिरना नदी बिल्कुल सूखी हो गई है। ये नया ब्रिज बना है गिरना नदी के ऊपर। हम जब बचपन में हमारे मामा जी के घर जाते थे तो ये गिरना नदी को 12 ही महीने पानी रहता था। हम बहुत स्विमिंग करते थे, लेकिन समय के चलते नदियाँ ड्राई होते जा रही है। ये बहुत सोचने की चीज़ है। अभी हम चालीसगांव शहर में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन है 100 किलोमीटर्स और लगभग 2 घंटा लगेंगे हमें डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए। अभी इस रास्ते से हम राइट टर्न मार के रेलवे पर जो उड्डान पुल बना है उसको क्रॉस करके लेफ्ट टर्न लेंगे। सामने से आने वाली यह मैडम ने स्कूटर को अचानक राइट टर्न ले लिया। पीछे से आने वाले स्कूटर वाले भाई साहब ने सावधानतापूर्वक ब्रेक मार के गाड़ी संभाल ली, नहीं तो बड़ा हादसा होता था। बी केयरफुल। हमेशा यहाँ भीड़ रहती ही है, क्योंकि यह
सिटी का सेंट्रलाइज प्लेस है, बहुत व्हीकल का आवागमन यहाँ से चलते रहता है। एसटी डिपो में से लालपुरी निकल रही है। यह है पाचोरा सिटी। हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। आज का जो मेरा डेस्टिनेशन था पाचोरा सिटी, यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ। बस अभी अगले चौराहे पर राइट टर्न लेके हमारे निवास स्थान की ओर जाना है। यह है हमारी तलाटी कॉलोनी। कभी ये रास्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई स्कीम आई कि जो ड्रेनेज का चेंबर है वो मिडल से लेना है, तो कॉन्ट्रैक्टर महाभागों ने मिलकर ये स्कीम पास कर ली और बीच में से चेंबर निकालने के लिए उन्होंने रास्ते का तोड़फोड़ कर दिया। देखिए, रास्ते के दोनों साइड गटार लाइन थी, वहाँ चेंबर बना सकते थे, लेकिन भाइयों ने ऐसा चक्कर चलाया कि अच्छे रोड तोड़ मोड़ कर रख दिए और वो रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ। जय भोले। यह है हमारा मकान, हमारे माताजी पिताजी ने बनाया है।